वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल माई लवली स्टूडेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन, आर्किटेक्चर ऑफ द मिडिवल इंडिया. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस सम स्टाइल्स, टेम्पर आर्किटेक्चर इन द मिडिवल इंडिया, द नागरा स्टाइल, द्रविड स्टाइल्स एंड वर्सा स्टाइल. सो टूडेज टॉपिक इज अबाउट द इंडो इस्लामिक स्टाइल. This topic, I'm showing some images of the Nagra style, that is the some parts of the temple. First is which I have already explained, that the Pradakshina path, which is the righty, mid of the righty, and we surround the, हम जब भी टेम्पल में जाते हैं तो जो बीच में गर्भगृह होता है, गर्भगृह इज़ द प्लेस वेयर मेन डाइटी, जो मूर्ति है वो वहाँ पर रखी जाती है. उसके चारों तरफ जब हम एक राउंड लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पाथ. गर्भगृह जहाँ पर ये मूर्ति रखी जाती है, देखिए टेम्पल पर एक इस तरह का शिखर होता है ना, सो ये जो शिखर है, ये शिखर है, इसको शिखर कहा जाता है. इसके बाद होता है अंतालय, जो अंदर का जो पार्ट होता है टेम्पल के, इट इज़ कॉल्ड द अंतालय. एंड मंडप, ये वो जगह होती है, एक हॉल टाइप में होता है जहाँ पे सारे रिचुअल सेरेमनीज वगैरह की जाती है. इसके बाद द आर्किटेक्चर, इसमें हमने ये मैप किया था, ये देखिए मैप हमने आपको शो किया था कल भी प्रीवियस लेक्चर में. दीज आर सम आइकन्स, यहाँ पे कुछ आइकन्स दे रखे हैं, आप अपनी मैप में अच्छे से देखेंगे. जो ये ग्रीन कलर है, इट्स रिप्रेजेंट द नागरा स्टाइल, देन द्रविड स्टाइल, वर्सा स्टाइल, चालुक्यस टेम्पल्स एंड द होसालिया टेम्पल. ये उसके कुछ पिक्चर्स, इमेजेस भी यहाँ पर शो हो रही हैं, जिसको आप अच्छे से देखेंगे. तो ये दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो हम आगे का जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं द इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर. जो है इसका नाम इंडो इस्लामिक इसलिए रखा गया कि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें जो इंडोज, मतलब जो इंडियंस थे, और जो इस्लामिक्स यानी जो बाहर से जो मुस्लिम्स है, उन दोनों की ही आर्किटेक्चर्स की यहाँ पे कुछ मिक्सअप देखा गया, इसलिए इस स्टाइल को क्या कहा गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये अकॉर्डिंग टू योर बुक. With the rise of Delhi Sultanate and the Mughal rule in India, the evolution of the distinct Indo-Islamic style of the architectures took place. दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है यहाँ पर. दिल्ली सल्तनत के हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर जब आया, तो यहाँ पर एक नई स्टाइल जो है देखी गई आर्किटेक्चर्स की, जिसे क्या कहा गया, इंडो इस्लामिक स्टाइल. द इसके बाद है आपका द सेंट्रल एशिया स्टाइल ऑफ दीज मुस्लिम रूलर्स ब्लेंडेड विद वेल विद द इंडियन आर्किटेक्चर्स फ्रॉम ऑलरेडी इन यूज़. अब ये मुस्लिम जो रूलर्स यहाँ पर थे, ऑलरेडी इंडिया में जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स थी उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे. स्टोन सच एज रेड सैंड स्टोन, ज़्यादातर किस सैंड स्टोन का यूज़ किया जाता था, रेड एंड मार्बल, ये दो चीज़ें यूज़ की जाती थी. वर मोस्ट द प्रिफर्स बिल्डिंग्स मटीरियल्स, वाइल द स्लेव्स एंड खिलजी आर्किटेक्ट्स प्रिफर द रेड सैंड स्टोन, एंड द मुगल आर्किटेक्ट्स यूज द प्लेंटली ऑफ द वाइट मार्बल. द यूज़ ऑफ लाइम एज अ मोर्टर्स फॉर द बिल्डिंग पर्पज वॉज ऑल्सो अ मेजर डेवलपमेंट. यानी कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इस टाइम में. इन ऑर्डर टू मेक द वाइट एंट्रेंस द ट्रू आर्च. अब ये देखिए एंट्रेंस की बात हो रही है, आपका एक क्वेश्चन भी है. ये देखिए ट्रू आर्च क्या होता है, ये एक एंट्रेंस होता है, गेट होता है, जो बहुत बड़े बड़े गेट होते थे तो उसके लिए एक आर्च का यूज़ किया जाता था. द पॉइंटेड आर्च वॉज यूज टू द मैसन यूज अ की स्टोन एंड अदर स्टोन टू बोथ साइड सो दैट दे स्टेड टूगेदर बाय द फोर्स ऑफ द प्रेशर. इनके आसपास में इतने सारे बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किया जाता था ताकि वो, अगर उनके पर कोई इतना ज़्यादा प्रेशर पड़े, बर्डन पड़े या बोझ पड़े, तब भी वो स्टैंड कर सकें. आप मोस्टली देखेंगे किसी फोर्ट में जो
पैलेसेस हैं वहाँ पे, गेट बहुत बड़े बड़े होते थे। तो ये देखिए टूअर्च का कॉन्सेप्ट, एक तो आपको याद रखना है ये टूअर्च है इस तरह का एग्जिट। उसके बाद की स्टोन है, देखिए ये जो की स्टोन्स यूज़ किए गए हैं ये यहाँ पर कुछ स्टोन्स का यूज़ किया जाता है उससे एक यहाँ पे अलाई दरवाजा दिल्ली का एग्जाम्पल है, रूल्स ऑफ द बल्बन ऑफ द टॉम दिल्ली उसका एग्जाम्पल है। नाउ डॉम्स एंड डबल डॉम्स आर अदर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अ डबल डॉम्स कंप्राइज द इनर एंड द आउटर लेयर एंड द सीलिंग ऑफ अ पैलेस लोअर द सच एज अ वे टू द प्रपोर्शंस ऑफ द एक्सटीरियर्स इज नॉट डिस्टर्ब। द टॉम इज द ऑक्टेंगनल इन शेप्स एंड राइज इन टू द टू स्टोरीज। टू स्टोरीज क्यों होते थे? द मुगल्स आर द क्रेडिटेड विद द हैविंग इंट्रोड्यूस द डबल डॉम इन आर्किटेक्चर। जो मुगल है इन्होंने यहाँ पर जो डबल डॉम्स आर्किटेक्चर्स की स्टार्ट की थी। यहाँ देखिए डबल डॉम का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में। सबसे पहला है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है हुमायूं टॉम दिल्ली, ये देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे डबल डॉम का यूज़ किया गया है। देन इंटीरियर्स व्यूज ऑफ द एंट्रेंस डॉम ऑफ द हुमायूं टॉम, ये हुमायूं टॉम के जो अंदर का पार्ट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट करेंगे एंट्रेंस ऑफ द अकबर टॉम, ये इसकी भी इमेज मैं आपको शो कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे कुछ फ्लोरर जो है पित्रा डूरा, यहाँ पर एक टर्म है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। द मुगल ऑल्सो द इंट्रोड्यूस अ पित्रा डूरा स्टाइल इन ले द डेकोरेशंस इन इंडिया दैट इज यूजिंग फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ द सेमी प्रीशियस स्टोन टू डेकोरेट द वॉल्स, दीवारों को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज किया गया। नेक्स्ट है आपका चारबाग एट द जहांगीर स्टॉम इन लाहौर, ये चारबाग है, देखिए चारों तरफ यहाँ पे गार्डन्स को फॉर्म किया गया है। द मुगल टॉम्स वर द जनरली प्लेस एट द सेंटर ऑफ द यूज गार्डन कॉम्प्लेक्स। द गार्डन कॉम्प्लेक्स वॉज डिवाइडेड इन टू द स्क्वायर कंपार्टमेंट्स कॉल द चारबाग, और जैसे बीच में बिल्डिंग होती थी चारों तरफ चारबाग, इन्हें क्या नाम दिया गया? चारबाग। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे अग्रसेन की बालोई इन दिल्ली, इसको मैं हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बालोईज और द स्टेप वॉल्स सर्व्स एज अ वॉल्स इन विच वाटर कुड बी असिस्ट बाय द डिसेंडिंग इन द फ्लाइट्स ऑफ द स्टेप। द बेसिक पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग बाउलीज वॉज टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर ईजीली। बाउलीज इसलिए बनाई जाती थी जो वाटर है वो नीचे ड्रेन हो और वहाँ पर स्टोर हो जाए। नेक्स्ट इज ये इस तरह का है, देखिए यहाँ पर बाउलीज में इसको आप ध्यान से देखिए, ये इस तरह से ये बाउलीज का एग्जाम्पल है, नीचे स्टोर हो जाता है वाटर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक द फ्रेशियस ऑफ द शेखावटी हवेली। अब यहाँ पे देखिए शेखावटी की बात आ रही है, तो हमारा राजस्थान जो है बहुत इम्पोर्टेंट, इस तरह की फ्लोरल प्रिंट आप कई जगह पर देखेंगे जो राजस्थान को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। द प्राइवेट मेंशंस वर द हवेली सर्व्स एट द होम टू द नोबल एंड वेल्थी ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, ज़्यादातर जो बहुत वेल्थी मर्चेंट्स होते थे वो इसको क्या करते थे, बनाते थे हवेलीज में। द हवेली शॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द पर्सियन सेंट्रल एशियन इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ में इन सब का क्या किया गया था, कंबाइंड किया गया था इन्हें। देन आगे का जो आपका कॉन्सेप्ट है इट वॉज कनेक्ट टू द हिस्ट्री। ओरिजिनली द ताजमहल हैड अ डेंस गार्डन्स विद द मैनी ऑर्नामेंटल्स एंड द फ्रूट ट्रीज। इट वॉज पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ द गार्डन कल्टिवेटेड बाय द मुगल्स एंड हाउ एवर द गार्डन ब्लॉक इन द फुल व्यू ऑफ द ताजमहल एज शोन एज द पिक्चर ऑन द राइट। जब भी हम देखिए ताजमहल की हमने पिक्चर्स कई बार देखी होगी, यहाँ पर बिल्कुल बीच में गार्डन है और सामने से जो है इसे ये शो होता है। द ताजमहल दैट वॉज सी टूडे द सराउंडेड बाय द कोलोनियल गार्डन। दिस स्टाइल ऑफ द गार्डनिंग वॉज फॉलोड बाय द ब्रिटिश हु प्रिफर द लेस ट्री एंड द एक्सपेंसिव लॉन। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू सी द फुल स्ट्रक्चर ऑफ द ताजमहल। यहाँ ने ब्रिटिशर्स ने भी इसमें कई सारा क्या किया था, चेंज किया था।
on buildings that were built in his the quarters. यहाँ पे जो buildings बनाई गई इस time में उसके बारे में हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले है द मोती मस्जिद एंड द पर्ल मॉस्क्यू इज द लोकेटेड विद द आगरा फोर्ट. बुल इंटायरली मार्बल. इट कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल डोम्स, एक्सटेंसिव मार्बल वर्क एंड द रिसिस्ट आर्कीवे. यहाँ पे देखिए ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है यहाँ पे. नेक्स्ट इज द जामा मस्जिद को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. द जामा मस्जिद और जामा इन द दिल्ली इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द इंडिया. बुल्ट इन द 1650 CE एंड द मॉस्क्यू हैज द कोर्ट यार्ड बिग इनफ टू द अकोमोडेट अप टू द 25,000 पीपल एट अ टाइम. यानी इतना बड़ा स्पेस है कि एक बार में 25,000 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं. एंड फोर मिनरेट्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ द रेड सैंड स्टोन्स एंड वाइट मार्बल आर इज द चीफ फीचर्स. यहाँ पे ये जो फोर ये यहाँ पे देखिए पिलर आप देख रहे हैं, ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं. नेक्स्ट इज जिस जैसे कि हम जानते हैं शाहजहाँ की बात कर रहे हैं तो ताजमहल की बात अपने आप आएगी. शाहजहाँ इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर्स अचीवमेंट्स वॉज हाउएवर द ताजमहल वॉज इसका खान वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल. कौन था इसका चीफ आर्किटेक्चर? ईसा खान. ईसा खान वॉज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल. द डबल डॉम्स एंड द डेलीकेट मार्बल सीन्स टू द पिट्टाडुरा इनिशियल इनले वर्क अलॉन्ग विद द मोन्यूमेंट्स बींग प्लेस इन द मिडिल ऑफ गार्डन एंड इट्स ब्यूटी. यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे एक बनाया गया है यहाँ पे. नेक्स्ट इज द शाहजहाँ ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू सिटी शाहजहानाबाद. उन्होंने एक नया सिटी बनाया था शाहजहानाबाद दिल्ली में. दिस सिटी हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग. ये यहाँ की मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी. द सिटीज वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मॉस्क्यू एंड रेड फोर्ट्स हाउसेज वाइड रोड्स एंड द गैरिसंस. चांदनी चौक वॉज द फेमस मोस्ट फेमस बाजार इन द सिटी. चांदनी चौक यहाँ का फेमस बाजार था. इट वॉज इनक्लोज बाय द 40th गेट्स विच वर कीप क्लोज एट नाइट. इसके चारों तरफ जो है 14 गेट्स थे जो रात के टाइम पर उन्हें क्या कर दिया जाता था, क्लोज कर दिया जाता था. सो दिस इज अबाउट द शाहजहानाबाद. नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग एंड दीवाने आम. यहाँ पे दो तरह की जो बिल्डिंग्स है रेड फोर्ट का पार्ट थी उसके बारे में. द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग वॉज रेड फोर्ट आर द सेरेमोनियल हॉल ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस नोन एज दीवाने आम एंड दीवाने खास रिस्पेक्टिवली. द रंग महल द फेमस पिकॉक थ्रोन स्टूड विद द गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन वॉज ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द रेड फोर्ट. जो फेमस पिकॉक थ्रोन था, मयूर जो सिंहासन था, वो यहाँ पर प्लेस किया गया था जिसपे बहुत प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे. सो कहाँ पर था? रेड फोर्ट में. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा ही चैप्टर जो है समझ में आया होगा. मेन हमने बात की आर्किटेक्चर्स के बारे में, ठीक है. सो आर्किटेक्चर्स जो है कौन कौन सा हुआ, कैसा हुआ, इसके बाद है रीजनल आर्किटेक्चर का जो टॉपिक मैं वो उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो अबाउट द रीजनल आर्किटेक्चर, रीजनल आर्किटेक्चर द मिडिवल पीरियड वॉज मार्क बाय द मैनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक. कई सारे इकोनॉमिक चेंज हुए. द पॉलिसी ऑफ एंड द सोसाइटी मूवमेंट ऑफ पीपल आइडियाज फेथ एंड स्किल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनादर प्रमोटेड द इमर्जेंस ऑफ द न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल. और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था वैसे वैसे जो है आर्किटेक्चर्स जो है उसकी स्टाइल में भी क्या हो रहा था, कहीं सारा चेंज हो रहा था. द इमर्जेंस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द कीन इंटरेस्ट शोन बाय द एम्परर्स ऑफ द आर्किटेक्चर्स इनकरेज द फर्दर सिनेथिस ऑफ
ऑफ आइडियाज़। अब क्योंकि यहाँ पर एक तो आर्किटेक्चर्स काफ़ी डेवलप था और मुगल एम्परर ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, तो कई सारी नई बिल्डिंग्स जो है वो फॉर्म हुई। इन बंगाल द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द मैनी बिल्डिंग्स आर देयर ओब्लॉन्ग शेप्स एंड द पेक्यूलर स्टाइल्स ऑफ द रूफ कंस्ट्रक्शन। रूफ कंस्ट्रक्शन यानी यहाँ की जो छतों की जो कंस्ट्रक्शन था वो डिफरेंट तरीके से किया गया बंगाल में। राजपूत फोर्ट यूज द झरोखास एंड डेकोरेशन गेटवेज मिरर वर्क अलॉन्ग विद द लॉट ऑफ द कलर इन देयर कंस्ट्रक्शन। अब राजपूत फोर्ट की जो विशेषता थी वो ये थी, वहाँ पे झरोखास जो छोटी छोटी विंडोज़ बनाई गई थी और उन्होंने जो मिरर वर्क किया गया था वो उनका बहुत फेमस रहा। द गोल्ड लेक्वर वर्क यूज टू द बीकानेर इज बिलीव टू बी इंस्पिरेशंस बिहाइंड द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। अब जो गोल्ड का वर्क किया गया बीकानेर में उसे पता चलता है कि जो गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर का वो उससे इंस्पायर था। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।